उत्तर प्रदेश, बिहार समेत इन राज्यों में बीजेपी के लिए ट्रम्प कार्ड है ये जातियाँ। आंकड़ों से समझे पूरा खेल, जानिए क्या है लोकसभा चुनाव 2024 के समीकरण। हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। नमस्कार दोस्तों, मैं रतन सिंह और आप सभी का ट्रिगर न्यूज में स्वागत है। लोकसभा चुनाव 2024 की घड़ी जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे सत्ता पक्ष और विपक्ष की धड़कने बढ़ती जा रही है। राजनीतिक बिसात बीत चुकी है और सभी पार्टियों ने अपनी चाल चलनी शुरू कर दी है। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस NDA के जवाब में विपक्ष ने इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस इंडिया का गठन कर कड़ी चुनौती पेश की है। इसके बावजूद पिछले दो आम चुनाव में जीत दर्ज करने वाली बीजेपी ने 2019 के सफलता के मंत्र पर मनन करना शुरू कर दिया है। बीजेपी ने पिछले लोकसभा चुनाव में जिन जातियों की बदौलत सफलता पर परचम लहराया था, उन्हीं को साधने में वह फिर से जुट गई है। आइए जानते हैं कि वो जातियाँ कौन सी हैं। हिंदी भाषी राज्यों में जिन जातियों का वर्चस्व रहता है, उनमें अपर कास्ट के अलावा OBC, ST और दलित हैं। अगर 2019 के लोकसभा चुनाव पर नजर डाली जाए तो बीजेपी को दलित वोट बहुत कम मिला था, इसीलिए इस बार भी उसका फोकस दलित बिरादरी पर कम ही रहेगा। एक बात यहाँ ध्यान देने योग्य है कि हिंदी भाषी राज्यों में सिर्फ बिहार ही एक ऐसा प्रदेश था जहाँ पर बीजेपी के नेतृत्व वाली NDA को सर्वाधिक दलित वोट मिले थे। हालांकि इसका सारा श्रेय रामविलास पासवान के नेतृत्व वाली लोक जनशक्ति पार्टी LJP और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जाता है। नीतीश ने अब बीजेपी का साथ छोड़ विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया का दामन थाम लिया है। अपर कास्ट के अलावा NDA को OBC और ST का भी भरपूर समर्थन मिला था। हालांकि विधानसभा चुनाव में इन तीनों कास्ट का वोट बीजेपी को उतना नहीं मिला था जितना लोकसभा में मिला। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बीजेपी की तुलना में अधिक OBC, SC, ST और दलित के वोट मिले थे। बीजेपी की कुछ नीतियों और मोदी मैजिक ने लोकसभा में इन वोटों का गणित बदल दिया था। आइए अब जानते हैं कि हिंदी भाषी राज्यों में बीजेपी का कितना वर्चस्व है। अपर कास्ट OBC और ST के बदौलत पिछले 2019 लोकसभा चुनाव के बाद लोक नीति सेंट्रल फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी एजेंसी द्वारा किए गए सर्वे के अनुसार बीजेपी के नेतृत्व में हिंदी भाषी राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड की 225 में से 203 सीटों पर NDA ने कब्जा किया था। इसी सफलता को ध्यान में रखते हुए इस बार भी बीजेपी के लिए ये जातियां तुरप का इक्का साबित होंगी, जिसके लिए उसने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। अगर बात करें मध्य प्रदेश में, तो इन जातियों ने चुनाव में बदले थे सारे समीकरण। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2018 में बीजेपी को अपर कास्ट का वोट 58% मिला था, वहीं कांग्रेस को 33% और अन्य को 9%। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को अपर कास्ट का वोट 75% मिला था, उसे सीधा 17% का फायदा मिला था, वहीं कांग्रेस को 20% और शेष अन्य के खाते में गया। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को OBC का 38% वोट मिला था, कांग्रेस को 41% और अन्य को 11% मिला। वहीं 2019 लोकसभा में बीजेपी को OBC का 66%, कांग्रेस को 27% और अन्य को 7% वोट मिले। इसी तरह बीजेपी को महज एक साल के अंतराल में 18% वोटों का लाभ मिला। इसी प्रकार 2018 विधानसभा में बीजेपी को SC के 33% वोट मिले, जबकि कांग्रेस को 39% और अन्य को 18% मिले। इसकी तुलना में 2019 लोकसभा में बीजेपी को SC के 38%, वहीं कांग्रेस को 50 और अन्य को 12% वोट मिले थे। इस तरह बीजेपी को 5% और कांग्रेस को 1% वोटों का फायदा मिला था। 2018 विधानसभा में बीजेपी को ST के 30% वोट मिले थे, कांग्रेस को 40% और अन्य को 30% मिले। इसकी तुलना में 2019 में बीजेपी को 54% और कांग्रेस को 38% और अन्य को 8% वोट हासिल हुए। बीजेपी को 24% का बड़ा फायदा हुआ था। 2018 में बीजेपी को मुस्लिम वोट 15% और कांग्रेस को 52% तथा अन्य को 33% वोट मिले। वहीं 2019 लोकसभा में बीजेपी को 33% और कांग्रेस को शेष 69% वोट मिले थे। आइए अब जानते हैं कि राजस्थान में जाटों ने कैसे बदल दी थी लोकसभा की तस्वीर।
राजस्थान में विधानसभा चुनाव में पिछड़ने वाली बीजेपी को जाटों के रूप में बड़ी संजीवनी मिली थी, जिसका श्रेय हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को भी जाता है। इसी की बदौलत एनडीए का जाट वोट बैंक 2018 विधानसभा चुनाव की तुलना में लोकसभा चुनाव 2019 में बढ़कर 85% हो गया था। एनडीए को यहां एक साल में 59% वोटों का फायदा हुआ था। वह इसलिए कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी को यहां जाट वोट महज 26% ही मिले थे। 2018 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को राजपूत वोट 53% और कांग्रेस को 35% था, अन्य को 12% वोट मिले थे। 2018 ओबीसी वोट बीजेपी के खाते में 46%, कांग्रेस को 38 और अन्य को 16% मिले थे। वहीं 2019 लोकसभा में बीजेपी को ओबीसी का 72%, कांग्रेस को 23 और अन्य महज 5% वोट मिले। इसी प्रकार 2018 विधानसभा में बीजेपी को एससी वोट 34%, कांग्रेस को 39 और अन्य को 27% मिले थे। वहीं 2019 लोकसभा में बीजेपी को 39%, कांग्रेस को 54, अन्य को 7%। यहां 2018 विधानसभा चुनाव में एससी वोट बीजेपी को 40%, कांग्रेस को 41 और अन्य 19% वोट थे। इसकी तुलना में 2019 लोकसभा में बीजेपी को एससी वोट 55%, कांग्रेस को 38 और अन्य को 7% मिले। आइए अब समझते हैं कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण, वैश्य, जाट और राजपूत ने कैसे बीजेपी का साथ दिया था। उत्तर प्रदेश में अपर कास्ट के साथ अन्य जातियों ने भी बीजेपी का खुलकर साथ निभाया, जिसकी बदौलत एनडीए ने प्रदेश की 80 सीटों में से 64 सीटों पर कब्जा जमाया था। 2019 लोकसभा चुनाव में ब्राह्मणों का 82% वोट बीजेपी को मिला था। वहीं कांग्रेस को मात्र 6% तथा महागठबंधन को भी 6% वोट मिले थे। बीजेपी को राजपूतों का भी साथ मिला, बीजेपी को 79% राजपूत वोट मिले थे। इसके अलावा जाटों का सर्वाधिक 91% वोट बीजेपी के खाते में गया था। हालांकि इस बार यह वोट कुछ हद तक खिसकता हुआ नजर आ रहा है। वैसे वोट बीजेपी के खाते में 70% गया, जबकि कांग्रेस को 13वां महागठबंधन में महज 4% वोट मिले। इसके अतिरिक्त अन्य ओबीसी के 72% वोट बीजेपी के पक्ष में गए थे, जबकि महागठबंधन को 18% मिले थे। वहीं यादव वोट बीजेपी के खाते में 23% गया था, जबकि 60% महागठबंधन के हिस्से आया था। पिछली बार कुर्मी वोट 80% बीजेपी के खाते में और 14% महागठबंधन के हिस्से में आए थे। बीजेपी को इन वोटों का लाभ नीतीश कुमार की बदौलत मिलना माना जा रहा है। पिछले लोकसभा चुनाव 2019 में बिहार में नीतीश कुमार और रामविलास पासवान एनडीए के साथ थे, जिसका पूरा लाभ एनडीए को मिला था। इस बार नीतीश बीजेपी के विपक्ष खेमे में हैं। इसका कितना असर वोट कास्ट पर पड़ेगा, यह तो आने वाले चुनाव नतीजे ही बता पाएंगे। कास्ट वोटों पर नजर डाली जाए तो 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को अपर कास्ट का 65% वोट मिला था। वहीं यूपीए को 5% और अन्य को 30% वोट मिले थे। वहीं यादव वोट एनडीए को 21 और यूपीए को 55% और अन्य को 24% मिले। एनडीए को कुर्मी वोट 70% मिले थे। इसका पूरा श्रेय एनडीए में शामिल हुए सुशासन बाबू यानी नीतीश कुमार को ही जाता है। यूपीए को कुर्मी वोट मात्र 7% मिला था और अन्य के खाते में 23% वोट गए। एनडीए को एससी 76, यूपीए को 5 और अन्य को 19% वोट मिले। झारखंड में एनडीए को आदिवासी वोटरों के बंटवारे का बहुत फायदा मिला था। यहां कांग्रेस ने महागठबंधन, झारखंड मुक्ति मोर्चा और जेवीएम और आरजेडी के साथ मिलकर अलायंस बनाया था। इसके बावजूद एनडीए ने यहां अच्छा प्रदर्शन किया। आदिवासी वोटर हिंदू और क्रिश्चियन समूह में बट गए थे, जिसमें से 65% हिंदू आदिवासी ने एनडीए को वोट किया और 29% ने यूपीए को। वहीं क्रिश्चियन आदिवासियों ने एनडीए को 33 और यूपीए के पक्ष में 56% वोट किए थे। बीजेपी को यहां कांग्रेस की तुलना में काफी फायदा हुआ। सर्वे एजेंसी सेंट्रल फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी के अनुसार छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी का प्रदर्शन अपेक्षा से ज्यादा बेहतर रहा। यहां युवाओं, महिलाओं और दलितों ने बीजेपी को कांग्रेस की तुलना में बेहतर रिस्पॉन्स किया। हालांकि यहां पर एजेंसी को निश्चित आंकड़े नहीं उपलब्ध हो पाए थे। जैसी लोकसभा चुनाव के पूर्व अपेक्षा की जा रही थी, वैसे उत्तराखंड में बीजेपी का प्रदर्शन कमोबेश ही रहा। जातिगत वोट बैंक के आंकड़े तो स्पष्ट नहीं मिले। बहरहाल बीजेपी ने यहां 5 सीट जीतकर प्रतिद्वंदियों का सुपड़ा साफ कर दिया था। बीजेपी को यहां कुल 60.7% वोट मिले थे। यह वोट 2014 के लोकसभा चुनाव की तुलना में 5% अधिक थे। इस लिहाज से देखा जाए तो आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी अपना यह प्रदर्शन दोहरा सकती है। उत्तराखंड में फिलहाल जातीय समीकरण ज्यादा मायने नहीं रखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ट्रिगर न्यूज।